हल्द्वानी के बनफूलपुरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रशासन ने शुक्रवार को मस्जिदों में नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी है और कर्फ्यू के चलते मस्जिदों में भीड़ पर रोक भी लगा दी गई है। प्रशासन ने लोगों से घरों में ही नमाज पढ़ने की अपील की है। हम आपको बता दें कि 8 फरवरी को बनफूलपुरा में हिंसा के बाद कर्फ्यू लगाया गया था। अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं तो अलग अलग एरिया में अलग अलग वक्त पर कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, लेकिन चूंकि आज जुमे की नमाज अदा करनी है, बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ेंगे, इसलिए आज जुमे की नमाज अदा करने पर रोक लगा दी गई है। और इसी पर बातचीत करने के लिए शैलेंद्र नेगी फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, हालात पहले से सामान्य है लेकिन अभी भी बहुत जगह पर कर्फ्यू है, थोड़ी बहुत ढील दी जा रही है, लेकिन एक जगह अगर इतने लोग जुटेंगे जुमे की नमाज के लिए तो उस पर पाबंदी है, क्या यही वजह है कि जुमे की नमाज को कैंसिल किया गया है और बाकी जगहों पर किस तरह की ढील कर्फ्यू में? देखिए, कर्फ्यू में सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक की ढील दी गई है, कुछ इलाकों में 3 घंटे की ढील है, और जो आउटकट्स के इलाके हैं, जो बाहरी इलाके हैं, उनमें सुबह 8 बजे से 4 बजे तक, यानी शाम 4 बजे तक की ढील दी गई है। यानी जो सेंसिटिव इलाके कम है वहाँ ज्यादा जो है ढील दी गई है, और लेकिन जहाँ जो सेंसिटिव जोन है पूरा का पूरा, वहाँ पर 3 घंटे की ढील दी गई है। इस दौरान लोग जरूरी सामान खरीद सकते हैं अपने, साथ ही मेडिकल इमरजेंसी से जुड़े हुए काम भी कर सकते हैं, लेकिन इस इलाके में रह रहे लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते और बाहर के लोग भी इस इलाके में एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस और अर्धसैनिक बलों का कड़ा पहरा है। जहां तक शुक्रवार यानी जुमे की नमाज की बात है, जो आज होनी है, लेकिन वो आज नहीं होगी मस्जिदों में, जितनी भी मस्जिदें हैं उन सभी को बंद किया गया है। और जैसा प्रशासन का फैसला है कि जुमे के दिन बहुत सारे लोग, क्योंकि नमाज अदा करने के लिए आते हैं इन मस्जिदों में बड़ी संख्या में, क्योंकि लगभग तकरीबन 1 लाख की आबादी इसमें मुस्लिम की रहती है, और उसमें से लगभग 60,000 लोग जो है वो आते हैं इन सब मस्जिदों में, क्योंकि यहाँ जितनी भी मस्जिदें हैं उनमें नमाज अदा करने के लिए आते हैं, इसीलिए भीड़ ना जमा हो और किसी तरह का मॉब क्रिएट ना हो, यही वजह है कि प्रशासन ने फैसला लिया है कि मस्जिदों में नमाज अदा करने की परमिशन नहीं दी गई है। अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में डीएम ये कह रही है कि जैसे जैसे हालात नॉर्मल होते जाएंगे वो और ज्यादा छूटें देती चली जाएंगी। जैसे कल हमने देखा था 2 घंटे की छूट थी कर्फ्यू में, आज 3 घंटे की हो गई है, और हालात और बेहतर होते चले गए तो फिर छूट को बढ़ाया जाएगा, और इस बीच में जो जरूरी चीजों की सप्लाई है प्रशासन अपनी देखरेख में खुद कर रहा है। डीएम खुद मौके पर पहुंची हैं, उन्होंने भी कल जो दौरा किया था, आज भी वो इलाके का दौरा करने पहुंची हैं। जो जिन लोगों की परेशानी है वो परेशानियां समझ रही हैं, जो लोग मेडिकल ग्राउंड पे जा रहे हैं या सीरियसली जो बीमार हैं उन सबको बाहर भेजने का इंतजाम भी प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। जो लोग डेली कमाने और खाने वाले लोग हैं उनको भी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, फ्री में राशन भी अब सरकार अपनी तरफ से दे रही है, तो वहाँ सारी सुविधाएं की जा रही हैं, लोग भी काफी सेटिस्फाइड है वहाँ के, और जैसे जैसे हालात नॉर्मल होते चले जाएंगे वैसे वैसे ढील दी जा रही है। लेकिन फिर भी जुमे की नमाज पर आज रोक लगाई हुई है प्रशासन ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र। और हल्द्वानी के कर्फ्यू के वाले बनफूलपुरा थाना इलाके में 9वें दिन यानी कि शुक्रवार को बड़ी राहत दी गई। कुछ इलाकों में 3 और कुछ में 8 घंटे की राहत दी गई है। गफूर बस्ती, इंदिरा नगर, उजाला नगर, किदवाई नगर, गफूर बस्ती, छोटी लाइन, बड़ी लाइन और मलिक के बगीचे में 3 घंटे की राहत है, जबकि RFC कैंपस, गौजा जाली और रेलवे बाजार में सुबह 8 से शाम के 4 बजे तक 8 घंटे की राहत रहेगी। डीएम के मुताबिक हालात सामान्य होने और राहत देने का फैसला इसके बाद लिया जा सकता है। सेशंस दिए हैं, उसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। आज जो सुविधाएं दी थी, आज जो राहत दी थी, उसमें शांति व्यवस्था बनी रही है, लोगों ने अपनी जिम्मेदारी भी समझी है, तो आगे इसी को विचार करके हम लोग भविष्य में रिलैक्सेशन को बढ़ाने का निर्णय लेंगे। और हल्द्वानी के बनफूलपुरा इलाके में उपद्रव के बाद से ही इलाके में लगातार कर्फ्यू है, लेकिन इस सबके बीच इलाके के लोगों को बड़ी राहत दी गई है। अस्पताल समेत मेडिकल स्टोर जहां पर पहले दिन से ही खुले हुए हैं, साथ ही अब जनरल स्टोर्स भी खोले जा रहे हैं। लोग भी अपने घरों से निकलकर जरूरी सामान खरीद रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी इलाके में एक एक चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, तो जो भी जरूरी सामान की दुकानें हैं उसे खोला जा रहा है। डॉक्टर्स की सुविधा दी जा रही है लोगों को, और साथ ही साथ जो पहले किराना शॉप भी बंद किए गए थे अब उसे भी धीरे धीरे करके खोला जा रहा है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति विभागों के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है, चाहे वो दूध हो, अंडा, ब्रेड, फल, सब्जी, राशन,
सभी सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही जो मेडिकल स्टोर हैं उनको खुला रखा गया है। हॉस्पिटल बनफुलपुरा का वो फंक्शनल है, वहाँ पर अतिरिक्त डॉक्टर तैनात किए गए हैं, एक पैथ लैब भी वहाँ पर फंक्शनल की गई है। साथ ही आज से टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं के लिए जो सुविधाएं हैं वो भी शुरू की गई है।